अल्लाह यार, ऐसी गलती नहीं करूंगा, कभी भी नहीं लूंगा कर्जा भाई। मार डाला कर्जे पे, किसी से कर्जा नहीं लूंगा, गलती हो गई। कर्जा 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 मर गया कर्जे के चक्कर में भाई। तो हेलो दोस्तों, कैसे दोस्तों, आज का ब्लॉग होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा जो कि मुझ में 3 साल के अंदर अंदर कितना मुझ पर कर्जा हुआ है। भाई आपको लग रहा है ये सिंपल सादा बंदा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 3 साल के अंदर मैंने किन किन लोगों से पैसा लिया, उन लोगों के कैसे कैसे गंदे गंदे कॉल आते हैं, उस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में बताऊँगा अपने साल का, अपने जीवन का पूरा एक्सपीरियंस, जो कि पैसे देने के बाद में इंसान क्या क्या आपसे बोलता है दोस्तों। तो बिल्कुल भी इसके मत करना और स्टेप बाई स्टेप देख चलना कि भाई क्या क्या बीतती है मेरे पे, कैसा कैसा रोने की इच्छा भी होती है। तो दोस्तों चलो, तो दोस्तों वीडियो में क्या होने वाला है ये तो आपने थंबनेल देखकर अंदाज़ा लगा ही लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाइयों मेरे साथ में 3 साल में क्या हुआ, मेरे पर टोटल कर्जा कितना हो गया, और कर्जा मैंने किन किन लोगों से लिया, और भाई मुझे बिज़नेस में घाटा कितना हो चुका। तो जैसा कि दोस्तों मैं आज अपने साल का, अपने साथ का कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ में जो शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई 2019 के आसपास या 19 में 7 अगस्त मैंने मोबाइल की शॉप ओपन की, जिसमें मैंने दुकान मोबाइल की दुकान खोली थी मैंने ग्वालियर में, और समथिंग उसमें मेरे पास साथ में मैंने 1-1.5 लाख रुपये लगाया, उसके साथ साथ में मुझे उसमें भी लॉस हो चुका, ठीक है। बट हुआ क्या, लॉस ऐसे ही नहीं हुआ कि भाई लॉस हो गया, वो हुआ मेरी ही गलती से। कैसा कि भाई जब तक अगर अपना एक बिजनेस सेट नहीं हो जाए तब तक दूसरा बिजनेस नहीं खोलना चाहिए, क्यों मनीष भैया? सही बात है ना, अगर एक बिजनेस सेट नहीं हो जाए तो आप दूसरा खोल लो, उसमें तो वो चीज़ है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक दुकान के साथ में मैंने कुछ पैसे किसी और से उधार लेकर, कुछ पैसा जो मैंने कमाया दुकान से, अच्छी खासी चल रही थी मेरी दुकान, ऐसा नहीं है, मैं इनकम भी अच्छी कर रहा था, उसके साथ साथ मैंने 1.5-2 लाख रुपये का मैंने DJ ले लिया सपोज डेट। अब कुछ सेविंग थी मेरे पास में, अब उसके लिए मुझे कुछ इन्वेस्ट की ज़रूरत पड़ी, जो कि मैंने अपने कई दोस्तों से, कई भाइयों से, मतलब समथिंग जो मेरे सारे रिलेशन थे वहाँ से मैंने कांटेक्ट किया, उनसे मैंने पैसे लिए। बट होता क्या है भाई, जो कि आपने देखा कि समथिंग 2019 के आसपास ही कोविड आ गया, कोविड ने मेरी बैंड बजा दी यार। जैसा कि DJ लिया मैंने, समथिंग 1-1.5 महीना चला, अच्छा खासा रिस्पॉन्स था, मुझे बुकिंग भी अच्छी अच्छी आ रही थी, 30-35 हज़ार रुपये की समथिंग आसपास आ रही थी। उसके बाद जो कोविड लगा भाई, बुकिंग आना कैंसिल। अब आपने देखा ही था, आपको पता ही था भाई कि उसमें क्या हुआ था कोविड में, कि भाई 50-50 लोग जा रहे थे, पर शादी ब्याह में मैं जो भी DJ वगैरह सारी चीज़ें बंद थी, मॉल की दुकान भी बंद हो गई कोविड में, उसका दुकान का किराया चल रहा, DJ का भी किराया चल रहा। अब जिन लोगों से मैंने पैसे लिए हैं भाई, वो तो इनकी तरह टोकने लगे, मांगने लगे कि भाई मेरा पैसा दे दे। तो क्या हुआ यार, कई लोग ऐसा नहीं है कि हर लोग ही मुझसे पैसा मांग रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि भाई जो स्थिति को समझते हैं, आर्थिक को, कि भाई क्या प्रॉब्लम है इस बंदे के साथ में, क्या क्या नहीं चल रही है प्रॉब्लम, तो वो लोगों ने समझा और समझ भी रहे हैं। तो पर कई लोग क्या होते हैं भाई, हेलो भाई पैसे कब दे रहा है, नहीं दे रहा तो मैं तेरे साथ में ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो मैं तेरे घर पे आकर तुम कर दूँ जो कर दूँ, होते हैं कई लोग यार, एक इंसान ही नहीं कई लोग होते हैं जो भाई आपको एक नहीं दो नहीं कितने कॉल करेगा। अगर मनीष भैया आपके किसी पर 10 हज़ार रुपये हमारे को 2 साल में नहीं दे, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, मांगेंगे, मांगोगे तो भाई मुझे तो ज़रूरत है दे, ऐसे ही करोगे ना। तो भाई कई लोग ऐसे हैं कि अगर आपको बताया कि मनीष भैया मेरे साथ में ऐसी स्थिति चल रही है, मेरे पर नहीं है, तो आप नहीं मांगोगे, मतलब मांगोगे बट कहोगे भाई दे दे पर जल्दी दे। तो कई बार क्या भैया मेरे साथ में ऐसी स्थिति चल रही है, मेरे पर नहीं है, तो आप नहीं मांगोगे, मतलब मांगोगे बट कहोगे भाई दे दे पर जल्दी दे। तो कई बार क्या होता है कि कई लोग जो होते हैं भाई, हमें किसी से मतलब नहीं है, तेरे घर में कुछ भी होता है बट हमें अपने पैसों से मतलब है, तो यार होता है। तो बस मैं तो अगर उन लोगों के मैं नाम लेना स्टार्ट करूँगा तो भाई वीडियो कम से कम 1-2 घंटे की हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि मैं नाम भी नहीं लूँगा, मैं नाम लूँगा बताऊँगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको और बता देता हूँ कि भाई जब तक अगर आप कोई एक अच्छा खासा बिजनेस सेट ना कर लें, जब तक कोई बिजनेस दूसरा नहीं डालें, और जहाँ तक कि मैं बोलूँगा कि भाई अगर आप जब कोई भी छोटा या बड़ा बिजनेस कर रहे हो ना, तो भाई उसमें 75% तो इन्वेस्टमेंट आपका ही होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर आपके पास 25% है और आप 75% किसी से
इन्वेस्ट ले लो ब्याज के तौर पे, ठीक है। तो भाई वो क्या होता है कि भाई बिजनेस है भाई, कभी घाटा भी हो सकता है, किस्मत को पता नहीं। जैसे कि आपने देखा कई लोग, मैं ना चलो ठीक है, मैं तो बहुत छोटा पूरा बिजनेसमैन था, बट कई लोग तो इतने बड़े बड़े थे जो लाखों करोड़ों रुपये लगा चुके थे भाई। कई लोगों तो होटल हॉस्पिटल सामने बंद बंद सम्मित हो चुके हैं, तो यार उन लोगों पर क्या बितरी होगी। बट फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी उम्र जो भी है 22 की उम्र आसपास एज है मेरी, उसी में मुझे इतना ज़्यादा लॉस हो चुका कि भाई कुछ पूछे ही मत ही, क्योंकि मैंने उन सबसे पैसे लिए, बिजनेस में घाटा हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कैसे काम चलेगा। पर कई लोग थे जो समझ रहे थे। तो भाई जब तक आपके पास में एक अच्छा खासा बिजनेस जो सेट हुआ हो, और या उसके बाद में आपको एक अच्छा खासा आपकी 75% इन्वेस्टमेंट है, तो क्या चलो भाई आप झेल सकते हो अगर आपके पास में घाटा भी हो गया। बट यार मेरी जो उम्र थी वो समथिंग उस टाइम मेरी 17 से 18 साल उम्र थी, क्योंकि मैं भाई बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता था, मुझे पैसे कमाने का बहुत जल्दी अच्छा सा एक शौक लगा है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि शौक नहीं है पैसा कमाने का, तो भाई सबको शौक होता है। बट यार जो घाटा होता है ना उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि कई लोगों को हैंडल मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ जो दिन रात कॉल लगाते हैं मेरे को, मैं कई लोगों को कॉल भी नहीं उठा पाता यार। बट अगर उन लोगों के पास ये वीडियो पहुँच गई तो यार दिल से सॉरी यार, बट क्या करूँ, वीडियो में मैंने सारी जो फीलिंग्स थी वो मैंने बता दी। और जो लोग हैं जो मेरे से पैसा मांगते हैं, भाई अभी मैं तेरे साथ में कर दूंगा, तेरी माँ तेरी बहन तेरी जे तेरा वो, तो यार प्लीज़ यार किसी की मजबूरी समझो, ऐसा नहीं है कि मजबूरी नहीं होती, मजबूरी समझो यार। ऐसा नहीं है कि मेरी नियत में खोटे में पैसा देना नहीं चाह रहा, कई लोगों के पास में थोड़ा थोड़ा उबर करके पैसा भी पहुँच चुका है, जो लोग देना भी मतलब उनके पास पहुँच चुका है। बट कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मैं नहीं पहुँचा, उनसे मैं क्या कहता हूँ, सिंपल सी बात है यार। तो यार इसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यार जो भी है प्लीज़ थोड़ा सबर और कीजिएगा। मुझे इस बीच में मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही है, नहीं तो मैं तो नौकरी करने की गुंजाइश में हूँ, नौकरी करने की भी मूड में हूँ, और कहीं पर भी कोई नौकरी दिलाना चाहे दे सकता है तो भाई मुझे प्लीज़ कॉल करना, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, और मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी के घर पर जो भी पैसा है उनका पैसा उनके पास सही सलामत पहुँच जाएगा, बस थोड़ा समय और चाहिए मुझे प्लीज़ यार, क्योंकि अभी आप देख ही रहे थे 2 साल से कोविड आ रहा था, उसके बाद साथ साथ में मेरा बहुत ही ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो प्लीज़ आप लोगों को यही सलाह दूंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से कि भाई एकदम अचानक से कोई भी बिजनेस नहीं डालें सोच समझ के डालें, किसी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लें। बट हाँ इस वीडियो के बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगली वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि भाई मैंने किन किन लोगों से कितना कितना पैसा लिया, और टोटल ब्याज मैं हर मंथ का कितना पे कर रहा हूँ, और टोटल कर्जा मेरे पे कितना है। भाई इतनी छोटी सी उम्र में कितना ज़्यादा कर्जा सुनकर आप हैरान हो जाओगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो मैं देख रहा हूँ कि समथिंग 6-7 मिनट की हो रही है, उसके साथ साथ मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं कहने वाला हूँ। दोस्तों आगे मैं वीडियो बताऊँगा जिसमें मैं सारी डिटेल्स बता दूंगा एक एक करके कि भाई कितना कर्जा है, किन किन लोगों से मैंने कितने टाइम पर क्या क्या पैसे मांगे थे, किन लोगों कितने कितने पहुँच गए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मैं वीडियो डालूंगा कल जैसे ही आप लोगों के पास वो वीडियो पहुँच जाए, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही वीडियो में, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ तक जो आपने वीडियो देखी 6-7 मिनट के लिए, उन लोगों के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।